वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरा नाम वजाद है, मेरे साथ मेरे अबू नदीम। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो का टाइटल होने वाला है रनिंग बाइक ऑन वाटर, काफी शॉकिंग है। 100% वर्किंग ट्रिक इन इंडिया। तो पापा जब इंडिया में ना मोटरसाइकिल को पानी पे चलाया जाएगा। अच्छा, ये कैसे हो सकता है यार? पानी पे अब देखे इन लोगों ने पता नहीं कैसे चलाया, ऊपर टाइटल तो यही लिखा हुआ है। अब देखते हैं वीडियो तभी पता लगेगा कि भाई कैसे पानी में चलाया है इन लोगों ने। ये बंदा मान नहीं सकता ना, वही तो सारी बात है। पेट्रोल पे इंडिया में ऑलरेडी पेट्रोल महंगा है, पानी पे चला रहे। देखते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले तो हम ये जो गाड़ी के अंदर पेट्रोल की नली आती है इसे निकालते हैं और इसे हम जो है इसके अंदर से निकाल के फेंक देते हैं। और गाइस हमारी गाड़ी के अंदर जो तेल है इसे हम निकाल देते हैं। आप देख सकते हैं जिसके अंदर पेट्रोल है वो बाहर आ रहा है। और अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस पेट्रोल को निकलते रहने देते हैं, इसका पेट्रोल टैंक खोलते हैं कुछ इस तरीके से। आजकल इंडिया पाकिस्तान में पेट्रोल दारू की मांग पर बहुत सारा पानी इतना महंगे 20 लीटर इसे हम डाल देते हैं इस गाड़ी के पेट्रोल टैंक के अंदर। ये तो पूरी बोतल में डाल कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये पानी ही है और ये सच में बहुत सारा पानी है। तो मतलब हमने एक वीडियो नहीं थी उसके अंदर हमने गाड़ी को दारू से चलाया था, तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई हिम्मत है तो गाड़ी को पानी से चला के दिखाओ। तो आप देख सकते हैं कि हम जो पानी काफी पेट्रोल को टैंक को पानी से भर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम गाड़ी को पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से। कैसे तो कैसे हो गई यार? हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। पूरे टैंक को पानी से भर दिया है, ये पूरी तरीके से अभी पानी से भरा हुआ है। लेकिन गाइस यार इस तरीके से गाड़ी को पानी से चलाना तो इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना होगा। तो हमें इसके लिए एक जरूरत पड़ेगी सिंपली एक कुकर की और कैल्शियम कार्बाइड की। ये है चीज गाइस, कैल्शियम कार्बाइड। और इसकी कमाल की बात यह है कि अगर हम इसे पानी के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर से एक कमाल की फ्लेमेबल गैस एसिटिलीन निकलती है और हम उसी से गाड़ी को चलाने वाले हैं। क्योंकि यार नॉर्मली वैसे पानी से चलना तो यार आपको बताया मुझे ही बताया कि नहीं हो सकता है, लेकिन इस तरीके से हम गाड़ी को पानी से चला सकते हैं। मैंने एक सिंपल सा कैल्शियम कार्बाइड का टुकड़ा लिया है, इसे डाल दिया है इसके अंदर, और इसके साथ साथ हमें कुछ इस तरीके की एक नली की भी जरूरत पड़ेगी। ये आपको किसी भी मेडिकल वाले की दुकान पे आसानी से लगाओ, इसे कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। इसके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने नॉर्मल इंजेक्शन लगा रखा है। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसके अंदर पानी डालते हैं। ये गैस निकल रही है ना, अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से किस तरीके से गैस निकल रही है। फिर हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस कुकर को बंद कर देते हैं। अब ये बंद हो जाएगा और अब जो गैस है वो यहाँ से निकलेगी। और यहाँ पर एक छोटा सा सिंपल सा मैकेनिज्म आता है जिसकी मदद से हम सिंपली से गैस रिलीज हो रही है, कितनी गैस निकल रही है या फिर नहीं। और गाइस अगर हम इस नोजल को ओपन करते हैं और यहाँ पर आग जलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से कितनी कमाल की फ्लेम। देखो ये इतने गर्म है कि हम इसकी मदद से वेल्डिंग भी कर सकते हैं। देखो यही वेल्डिंग वाली चीज, वही ना जिस तरह कर रहे हैं। ओ भाई कमाल है यार, ये वेल्डिंग में नहीं प्रेशर देते जैसे बर्ड। अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसे जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाइक का एयर इंटेक वाला पाइप है। हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस जो ये जो सुई है इंजेक्शन है इसे सीधा ही इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। कमाल है यार, सर्दी की वजह से पाइप थोड़ी सी टाइट हो चुकी है, हमें ये ध्यान रखना है कि सुई ना तो मुड़े ना ही टूटे और सीधे ही इसके अंदर चली जाए कुछ इस तरीके से। और अब हम क्या करते हैं कि बाइक भी हीरो वाला है, इसको हम हीरो कंपनी भी बहुत ऊंची ऑन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये जो पूरा सेटअप है वो तैयार हो चुका है। तो चलो अब जो है गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होती है या फिर नहीं। आप देख सकते हैं जो पेट्रोल का टैंक है वो पूरी तरीके से पानी से भरा हुआ है। तो चलो अब गाड़ी को चला के देखते हैं कि यार गाड़ी सच में जो है इस तरीके से चल पाती है या फिर नहीं।
इसे कर देते हैं बंद। गाइस इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो हमने इसलिए किया है ताकि आपको यकीन हो जाए कि हम जो है कोई भी फेक वीडियो नहीं, मतलब कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहे, झूठ पे नहीं, झूठ पे मम्मी नहीं वीडियो बना रहे। चलो अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। स्टार्ट कर भाई, इतनी आसानी से तो नहीं है इसने। अब स्टार्ट होगी भी कि नहीं है? स्टार्ट हो गई ना गाइस, तो गाड़ी स्टार्ट तो हुई है ना यार, सीरियसली गाड़ी स्टार्ट तो हो रही है, हो गई, लेकिन उस तरीके से नहीं हो रही है जिस तरीके से पेट्रोल है भाई। थोड़ा सा नोजल को थोड़ा सा और खोलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। भाई सही है, पानी पे भाग गाड़ी चला रहा है। भी नहीं है यार गाड़ी को पानी से चलाना। इला ओ भाई कमाल है यार, सुई मुड़ तो नहीं गई यार? नहीं बिल्कुल सही है, सुई तो यार एक बार स्टार्ट हुई थी ना, स्टार्ट तो हुई थी, थका दिया इसने यार। भाई इंजीनियर को ना बाइकों वाले के पास लेके जाओ, इनको बोलो ऐसी चलती है। भाई एक काम करते हैं, इसके अंदर मेरे हिसाब से हमने छोटा कार भी डाला था यार, थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा डालते हैं इसके अंदर, फिर इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। बड़ा टुकड़ा ला जल्दी से, इस बार ये दोनों ही बड़े वाले टुकड़े इसके अंदर डालते हैं, फिर इसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। गैस अभी भी है लेकिन कम है, पानी बोतल जल्दी ला यार, अंधेरा होने वाला है यार, वीडियो शूट कर रहे हैं, पहले ही पानी डाल देते थोड़ा सा, इस बार दो बड़े वाले टुकड़े डाल देते है ना। अभी सही होगा, बंद कर बंद कर यार, मतलब ये सस्ता तरीका है। ओके, अगर स्टार्ट हो जाए कामयाब हो जाता है ये। सुई भी लगी हुई है, है ना? बिल्कुल हो रही है, हो गई है भाई, कामयाब। ओ ना कर यार, क्या जुगाड़ी हो इंडियन यार तुम लोग। ये मैकेनिज्म है, मत कर हाथ में पकड़ के चल बैठना पड़ेगा। अजीब सी आवाज आ रही है, तो चलो इस गाड़ी को चला के देखते हैं कि इतने से कैल्शियम कार्बाइड के अंदर हमारी गाड़ी कितने दूर तक चल पाती है। बंद हो तो ये एक अलग मैकेनिज्म है, अगर बाइक में लग जाए ना बिल्कुल मजा आ जाएगा। हाँ टैंक की जगह ये कोई ऐसी चीज लगा दे जिसमें ये आना। नहीं चल सही है, अब रास्ता भी ऐसा है ना, कच्चा रास्ता है। इला इला कुकर इला, अबे कुकर इला भाई। ओह भागी बंदा पीछे बैठा हो, यू कुकर ला रहा और बाइक जा रही है पानी पे, वो देखे कुकर तजर्बा कामयाब है। वही ना, कितने जुगाड़ी है यार इंडियन, जुगाड़ किस तरह लगा दिया इन लोगों ने। वाकया वजह जुगाड़ तो ऐसा लगा है कि कामयाब जुगाड़ है। वही ना, हो गई अबे बंद हो गई यार, पीछे पीछे अबे इसका नोजल बंद कर और क्लोज हो जाएगी। कुकर में प्रेशर गर्म हो गया होगा कुकर कितना खुशी से चला रहे हैं भाई, वजह तजर्बा कामयाब हो गया है इनका। वही ना, इनको भाई बुलाओ कंपनी वालों, क्या कर रहे हो? बैठ जा बैठ जा, चल अबे धीरे ही ले, फट फट जाएगा कुकर, सर पे लग जाएगी, दूर रख सर। स्टार्ट हो गया, हो गए, चलने दे चलने दे चलने दे, जाने दे जाने दे जाने दे। ओ भाई बंदा फ्री में घूमे। अभी कुछ पक्का रास्ते पे आए हैं, हाँ जा रहे हैं मजे से। ये सही है भाई, कच्चे रास्ते पे भाग रही है ना भाई। तो अच्छा गाड़ी भी रखी हुई है लेकिन बाइक पे तजर्बा किया है ना, जगह गाड़ियों में भी ऐसा सिस्टम हो गए, बाइक पानी भी चले, पेट्रोल और डीजल से जा रही है। हाँ ना, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में काफी महंगा हुआ है, गर्म हो रहा है ना, गर्म हो रहा है ना।
ऑलराइट गाइस, तो यार फाइनली जो है हमारी गाड़ी चल तो गई हमने। यार इसको हटा यार यहाँ से, इसको हटा, धूले जा, इसको धूले चल रही थी। लेकिन गाइस यार ये सिर्फ हमने आपको ये दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई थी, मतलब कि यार कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ी के इंजन जो है वो किसी भी ऐसी चीज से चलाई जा सकती है जो कि फ्लेमेबल हो, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोल, डीजल, गैसेस हो गई, एलपीजी हो गई, चाहे एसिटिलीन गैस होगी। लेकिन उससे दिक्कत ये है कि जो इंजन जो है अगर वो पेट्रोल के लिए बनाया तो उसे पेट्रोल से ही चलाना चाहिए, वरना उसकी जो मतलब उम्र है वो घट जाती है और इंजन को जो है इस तरह के कारनामों से काफी भारी डैमेज पहुंचता है। और गाइस आप ऐसा कुछ भी कहीं पे भी होने को बिल्कुल सारी बातें तो रही है, वीडियो का नुकसान हो सकता है इंजनों को ना। ओ पापा, लेकिन अभी ऐसा मैकेनिज्म बीच में आज, अब देखो ये पानी डाल के अंदर ये फिर दो पत्थर से डाले, वो जहरी बात है वो थे उसके, ये लाया कुकर को पूरा बाइक घुमा रहे हैं मजे से, बाइक तजर्बा कामयाब रहा है। भाई इंडियंस के पास क्या क्या जुगाड़ है यार, हमें खुद समझ नहीं आता कैसे कैसे जुगाड़ इन लोगों ने लगाए हैं। बिल्कुल, जो इनका जुगाड़ है ना कामयाब रहा है, तजर्बा सही बोला है पापा जी, तजर्बा इनका बहुत ज्यादा कामयाब रहा है और लगाया बड़ा फिट है भाई। वो ड्रिप की नोजल अंदर दी है, ड्रिप की वो दी है, ड्रिप की नोजल इनकी दी है उसके अंदर, कुकर को हिला रहे हैं और मजे से भाई अपना चला रहे हैं मोटरसाइकिल। ये वजह जो पत्थर ने डाला है, ये कौन सा पत्थर था पता नहीं पापा जी, कौन सा मुझे इसका इतना पता नहीं है। ये साइड के कुछ नहीं यार, ये वाला नहीं, पता नहीं कौन सा था यार, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताना कि वो पत्थर कौन सा था। और भाई चलाई बहुत मस्त है भाई, मैं तो कहता हूँ इंडिया में भी इनको लेके जाएं कंपनियां, इंडिया में भी बाइकों को पानी पे चलाएं और इधर भी, क्योंकि पेट्रोल तो बहुत महंगा हो गया और ये सारी चीजें खत्म करें, ये चीजें तो कामयाब है, पेट्रोल माफिया सेट कर देगा भाई। यहाँ पेट्रोल माफिया ऐसा रहने देता है, पेट्रोल माफिया के बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ सकती हैं चीजों पे। सही बोला है पापा, कोई शक नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ सकती हैं, मोटरसाइकिल इन्होंने चला दिया है ना, बिल्कुल कोई शक नहीं पापा। पेट्रोल, अब पेट्रोल कौन फिर यूज करेगा, जारी बात है ये चीज अगर सस्ते में हो जाए तो भाई फिर यही चीजें चलेंगे। और क्या, मैं तो कहता हूँ कि भाई चीजें पानी पे चले, पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है। बिल्कुल वजह जी, उन्होंने टैंक में पानी डाल के हर चीज बंद की है ना, जारी बात है पापा, इसमें कोई शक की जो उन्होंने वो नलकी हुई लगा के कुकर में डाल के, वो तो एक तजर्बा किया है, वो कामयाब 100% रहा है। बिल्कुल पापा जी, 110% पर गाड़ी भागी, अच्छे तरह से चली है भाई। अभी यही चीज अगर टैंकी है, वो टैंकी के नीचे फेट हो जाए, पानी डाले और ये इस तरह चले तो कमाल की चीज रहेगी। असल चीज मतलब ऐसा होता है, जो चीज जिसके लिए बनती है ना, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, अगर इन चीजों पे चलाया जाए तो इंजन को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ पापा, वो तो फिर एक जब ये चीजें बनेंगी तो स्पेशली इस चीज के लिए बनेगा ना वो चीज, ये तो नहीं कि पेट्रोल पे बनेगा और उसको फिर कंपनियां इस तरह करेंगी। मैं तो कहता हूँ बंदे को लेके जाओ यार, बड़ा काम का बंदा है ये, बिल्कुल करना चाहिए और लेके जाए, फायदा उठाए। पापा इधर पाकिस्तान और इंडिया में ये चीजें बहुत कम होती, पेट्रोल को फिर कौन यूज करेगा। ये भी बात है, बिल्कुल ठीक है कि पेट्रोल कौन यूज करेगा। यहाँ पे पाकिस्तान में बंदे ने गाड़ी पानी से चलाई थी। अच्छा। हाँ, पानी से गाड़ी चलाई थी, मतलब उसका इंजन का पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया था वो पानी वाले इंजन में, तो पानी से चल रही थी, तो यही है वहाँ वो बंदा नजर नहीं आया। ये पेट्रोल माफिया बहुत ज्यादा। तो यार आप कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।